सिस्टर का नाम मोना है और जे अमृतसर कनुपुर काले गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे जे बता रही कि जैसे इसने बताया कि भवन जे बता रही कि जैसे इसने भी सुना था कि जब हमें भवन लेना है तो सभी अपने स्पेशल बीज को दे रहे हैं तो जे बता रही कि इसके भी मन में था कि परमेश्वर मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी इस भवन को जब हमें लेंगे तो मैं भी अपना जो स्पेशल बीज है वो देना चाहती हूँ और आप मेरे लिए इंतजाम कर चुके हो। तो जी सिस्टर ने बताया कि सबसे पहले इसने कमेटी डाली 10,000 की, तो वो कमेटी तो उसके इसने इनको मिल गई पर कोई ऐसा काम पड़ गया घर में जरूरी, जो 10,000 पैसे थे वो इनको घर में इनके खर्च हो गए और जी काफ़ी परेशान हो गए कि जितने पैसे मैंने इकट्ठे किए थे कमेटी डाली थी वो मेरे सारे पैसे घर में खर्च हो गए। इसका मन काफ़ी परेशान हो गया कि परमेश्वर वो मैंने आपके काम के लिए देने थे, आपके भवन के लिए देने थे और इसके मन में बहुत चाह थी और फिर से इनने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मेरे लिए रास्ते को खोल चुके हो, मैंने जितने भी पैसे खर्च किए हैं आप मेरे लिए इंतजाम कर चुके हैं और मुझे उतने ही देने हैं। और फिर से इनके पड़ोस में किसी ने इनको मैसेज दिया कि हमने कमेटी डालनी है, अगर आप भी डालना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो फिर से इसने अपनी कमेटी डाली पर कुछ दिन बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम जो कमेटी नहीं पाएंगे और फिर इसका मन काफ़ी नाराज हो गया और फिर इसने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मेरे लिए रास्ते को खोल चुके हो, मैं नहीं जानती वो पैसे इकट्ठे भी हुए थे, मुझे मिल भी गए पर कैसे वो ऐसे एकदम से वो सारे पैसे घर में खर्च हो गए और जिसके कारण इसका मन परेशानी था। और जैसे जो बता रही कि कल जो कुछ घरों का काम करती है जो बहन और जिस घर में जो काम करती थी उससे इसने पूछा कि मुझे 10,000 रुपए की ज़रूरत है और जैसे इसने उनसे पूछा तो उसी समय उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं हम आपको दे देंगे। और जो बता रही कि इसकी चाहत थी कि परमेश्वर आप मुझे आज ही दे चुके हो, कल मुझे संगति में जाना है और मैं आपकी गवाही के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ और आप मेरी ये गवाही बना चुके हो और उन्होंने इनको बोला कि हम सोमवार को मंडे के दिन आपको पैसे देंगे। और जैसे जो बता रही कि जब उनसे घर से वापस आने लगे तो उसी समय उन्होंने इनको फिर से वापस बुलाया कि अपने पैसे ले जाओ। तो जो बता रहे कि फिर उन्होंने जितने पैसे इसने बोला था 10,000 तो उसी समय इनको मिल गए तो जो बहुत खुश हो गए कि परमेश्वर सच में जैसे मैंने प्रार्थना की थी, मैंने चाहत रखी थी, आपने मेरी चाहत को पूरा किया है। और आज बहन बहुत खुश है कि परमेश्वर आपने मेरी इस चाहत को पूरा कर दिया और भवन के लिए और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती है। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया। कितने लोगों को इस गवाही से क्या समझ आई, कितने लोगों को समझ आई है? इस गवाही से आपको क्या समझ आई है? क्या समझ आई है? कि जब कोई इंसान खुदावंद के लिए कुछ करने के लिए मन रखता है, बोलो क्या है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो किससे नहीं हो सकता। बोलो किससे नहीं हो सकता, बोलो किससे नहीं हो सकता। अगर हम करना चाहते हैं तो, इसलिए पॉलस कहता जो मुझे सामर्थ देता है, बोलो क्या है, जो मुझे सामर्थ जो मुझे शक्ति प्रदान करता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ये आपके ऊपर है। बोलो क्या है? वो अलग बात है कि कोई बंदा सोचे मैं गरीब हूं मेरे ऊपर मैं कैसे कर सकता हूं। देखो एक बार कमेटी डाली, मन में चाहत की कि मैं भी खुदा के भवन के लिए क्या करूंगी, दूंगी, पर किसी कारण इसके भाई को पैसे की जरूरत पड़ गई और वो सारे पैसे खर्च हो गए, जिसके कारण इसका मन, ध्यान से सुनो, जिसके कारण इसका मन बहुत निराश हो रहा कि मैंने तो परमेश्वर तेरे नाम के लिए कमेटी डाली थी, मैंने तो चाहत की थी कि मैं दूंगी, अब मैं क्या करूं, मैं कहां से इतने पैसे इकट्ठे करूं। फिर इसने सोचा कि मैं फिर कमेटी डाल देती हूं, क्या कर डाल दूं, फिर कमेटी डाल दूं, डाली फिर, बोलो क्या है, और अगले दिन जवाब मिले नहीं अब अपनी कमेटी वापस ले लो, हम नहीं रखेंगे। अब ये सोच रही थी अब मैं क्या करूं,
अब ये परमेश्वर से चाहत कर रही थी कि हाँ परमेश्वर मैंने देना है, बोलो क्या है? अब ये परमेश्वर से चाहत कर रही थी, मुझे नहीं पता परमेश्वर आप मेरे लिए इंतजाम कर चुके, बोलो क्या कर चुकी हूं, मैंने देना है। और ऐसे परमेश्वर सुविच्छा भी लगाता है ना, इसने इसके मन में परमेश्वर ने अपनी सुविच्छा को लगाया। सुविच्छा के बारे जानते हैं कितने लोग इस वचन को समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर लिखा अपने नेक काम के आराध्य को पूरा करने का प्रभाव आपके मनों में डालेगा, जैसे आज के वचन का प्रभाव मेरे मन में डाला खुदा ने, जिसे आप ब्लेस होने वाले हो, उसी रीति से इसके मन में भी डाला। बोलो क्या डाला, कि अपने मालिकों से क्या कर लो पैसे, तो इसने कहा कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे मिल सकते हैं? तो उन्होंने एक बार भी ना नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है, बोलो क्या है, दे देंगे। पर इसने ये नहीं कहा कि मुझे आज ही चाहिए, बोलो क्या है, मुझे आज ही चाहिए, क्योंकि कल तो मैंने गवाही देनी, कल संडे है। पर इसने बस इतना कहा था कि हाँ मैंने देने हैं, बोलो क्या, मैंने देने हैं। पर इसने परमेश्वर से चाहत की, परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मैंने तो, मुझे नहीं पता, मैंने तो कल गवाही देनी है, क्या देनी है? और जब जे शाम को अपने घर आने वाली थी, अपने आप वो 10,000 रुपया लेकर कहते ले, बोले क्या है, अपने आप अंदर से आकर वो, इसने पूछा भी नहीं, इसने सिर्फ इतना बताया कि मुझे चाहिए, एडवांस चाहिए 10, अंदर से वो 10,000 रुपया लेकर कहते ले, तू बोल रही थी, क्योंकि इसने किसको बोला था? इस गवाही से समझ आ रही है, बोलो इस गवाही से समझ आ रही है कि परमेश्वर सब कुछ करने की क्या रखता है, क्या रखता है, सामर्थ रखता है, पर कब, जब आप चाहते हो, जब आप उसके लिए करना चाहते हो। वो अलग बात है कोई कहे नहीं जी हमारा तो अपना गुजारा नहीं होता, हम कैसे करें, बोलो क्या, हम कैसे करें? क्योंकि जब हम खुदावन के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, क्या करते हैं, और दृढ़ विश्वास करते हैं, दृढ़ अरादा, दृढ़ मन बनाते हैं कि मैंने ये काम करना है, फिर परमेश्वर करता है। जब आपके अंदर उस करने की इच्छा है, ये उदास हो रही थी, जैसे नहमिया जब इसराइलियों की उनके बारे सुना कि उनके फाटक जले हुए, उनकी दुर्दशा बड़ी बिगड़ी हुई है, तो वो विलाप करने लगा परमेश्वर के लोगों के लिए। ये किसके काम के लिए उदास होगी? सेम नहमिया के जैसे इसके मन को भी मुझे बताया खुदा ने, जैसे नहमिया के मन को राजा के सामने क्या कर दिया था, दीन कर दिया था, ऐसे रोखी जैसा बना दिया, उसी रीति से इसके मन को भी किया। बोलो क्या है, देखो जब हम कुछ भी खुदावंद के लिए करने के लिए मन रखते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। बोलो क्या करता है, जब आप चाहते हो तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, जब तक आप नहीं चाहोगे वो अपने आप कुछ नहीं करेगा। बोलो क्या है, जाओ जितने लोग चाहते हैं कि मुझे, मैं भी करना चाहती हूं, ये आपका काम नहीं है। बोलो आप, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उसके लिए कुछ कर सके, करवाने वाला कौन है? हाँ फिर वो जक्की जैसे पापी लोगों से भी, जो दूसरों को ठगता था, वो भी कहता था मैं 4 गुना दे दूंगा, हैं प्रभु अब मैं 4 गुना दे दूंगा। इसलिए ये बड़ी खुशी की बात होती है जब खुदावंद किसी को इस्तेमाल करता है। बोलो क्या, इसीलिए यीशु मसीह ने एक विधवा के दान को क्यों सराहा, क्योंकि उसने मन से दिया और उसने अपनी सारी जीविका को दे दिया। आप कितना कमाते हो, महीने के कितने पैसे कमाते हो? पापा जी 5,000। 5,000 महीने के कमाते हो? हाँ जी। देखो एक गरीब बंदे के लिए उसके 2 महीने की ये पूंजी है उसकी, 2 महीने वो लगातार जाएगा, फिर ये 10,000 इकट्ठा करेगा और खुदा के काम के लिए दे। पर ये किसका प्रेम है, ये किसका प्रेम है, बोलो ये किसका प्रेम है? लिखा जिसने पवित्र आत्मा के वसीले हमारे मनों में डाला है। बोलो क्या है, जिसने पवित्र आत्मा के वसीले हमारे मनों में उस प्रेम को डाला है, ये वही प्रेम है जो नजर आ रहा है, दिख रहा है। आमीन।
बोलो क्या है? इसीलिए लिखा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता जो उसकी गोद में था उसने उसे प्रकट किया। आपके जीवन से वो प्रकट होगा। क्या होगा? मैंने कहा आपके जीवन से वो प्रकट होगा। आपके जीवन से ही सब कुछ होगा जब आप चाहोगे। जब तक आप नहीं चाहोगे कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी सोच ऐसे है कि नहीं मैं कैसे कर सकती हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो ऐसी हूं, मेरा तो खुद का गुजारा नहीं है, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। और जब आप खुदावंद के लिए बड़ा मन बनाते हो हाँ, तो परमेश्वर कई रस्तों को खोलता है। एक नहीं वो कई रस्तों को खोलता, मैंने कहा। और जो इसने खुदा के लिए सोचा और किया, इसका स्वर्ग में लिखा जा चुका है। मैंने कहा इसका स्वर्ग में लिखा जा चुका है। और खुदावंद इसको वहां से आशीष देगा। और वहां की आशीष, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं कि कैंसिल हो जाए जब वहां से आशीष आती है। हमें समझ आ रही है? पर जो लोग करना चाहते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपकी कोई इनकम नहीं है, आप बेकार हो, आप वेले हो, पर बस मन बनाओ कि खुदा मैं करने के, मैं भी करना चाहता हूं। आपके पास कुछ नहीं है, बस बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे यूज कर, मुझे इस्तेमाल कर। वो करेगा, बहुतायत से करेगा, जो आपने सोचा भी नहीं है वो करेगा। आमीन। चाहते हो? सब चाहते हो परमेश्वर से आशीष लेना, आशीष तो होना चाहते हो? क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है। क्योंकि अगर आप चाहते हो, क्योंकि अपने आप परमेश्वर कुछ नहीं करता। बोलो क्या है? परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करता। जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक वो नहीं करेगा। जब तक आपके मन में कुछ नहीं आएगा ना, तब तक वो नहीं करेगा। अगर आपके मन में आ गया तो फिर वो करेगा, कहीं से भी करेगा, कुछ भी करेगा। हाँ, यहाँ पे वो बेटी आई है जिसके अकाउंट में, जिसने परमेश्वर से कहा कि मैं देना चाहती हूँ, उसके अकाउंट में खुदा ने पैसे डाल दिए। आए आज वो? नहीं आए। समझ आ रही है? तो खुदावंद कुछ भी कर सकता है, आपका कुछ नहीं है। बोलो कहें, देखो आपके पास कुछ नहीं है, वो अपने आप डाल देगा, अपने आप देकर आपको डबल आशीष दे देगा। आपने तो कुछ नहीं किया ना? बोलो कहें, आपने तो कुछ नहीं किया, उसने डाल दिए। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके पास कुछ नहीं है। अगर किसी के पास है, जैसे ये मेहनत कर रही थी तो इसने ऐसे चाह के ऐसे करके, हाँ कमेटी तो खर्च होगी जब हम चाहते। बोलो क्या? क्योंकि लिखा भेंट मार्गों को क्या कर देती, खोलती। मैं किसी को थोड़े दिन पहले बता रहा था कि अन्य जाति लोग क्यों ज्यादा ब्लेस हो जाते हैं, क्योंकि वो मसीहों से ज्यादा बलिदान करते हैं। क्या करते हैं? पर मसीहों को शैतान करने नहीं देता। क्यों नहीं करने देता? उन्हें पता कि जब ये ब्लेस होंगे तो इनकी ब्लेसिंग देखकर इनके गली के लोग, इनके मोहल्ले के, इनके रिश्तेदार, हाँ सब क्या आएंगे, इनसे पूछेंगे, हाँ कैसे हुआ, आपके घर में तो ऐसे था, हाँ आप तो इतने सालों से ऐसे थे, ये कैसे हो गया। इसलिए वो करने नहीं देता। बोलो कौन नहीं करने देता? क्योंकि रोकने वाला क्या करता है? रोकता है। समझ आ रही है? पर जब हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, और खुदावंद जब हमें इस्तेमाल करता है, आप सोच नहीं सकते कि वो आने वाले समय में आपके जीवन से क्या करने वाला है। तारीफ करो जोर से इस बात के लिए, इस परमेश्वर के प्रेम के लिए जो इसने आज अपने जीवन से दिखाया है। आमीन। चाहते हो सब लोग? परमेश्वर के वचन में लिखा उसने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, नीचों को, जो कुछ भी नहीं, उन्हें चुन लिया। कैसे चुन लिया? उसने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, नीचों को, जो कुछ भी नहीं है, उन्हें चुन लिया अपनी महिमा के लिए। क्यों चुन लिया? क्योंकि उनके जीवन से क्या करेगा परमेश्वर? इस संसार में अपनी महिमा को, अपने प्रेम को प्रकट करेगा, और वो दिखाएगा कि मैं कौन हूं। समझ आ रही ना? बोलो क्या? वो दिखाएगा कि मैं कौन हूं। कितनों को समझ आ रही है? तो इसलिए इस बात को ध्यान से समझना। हाँ,
कि आपको अगर उसने बुलाया अपने पास, आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ये एक सिर्फ एक बुलाहट है। क्योंकि अगर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, हालात ना हो, तो कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आएगा। बोलो क्या है? कोई भी यीशु मसीह के पास, कोई उसके पास नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम है, तो समझ लो ये एक बुलाहट है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया। समझ आ रही है? इसलिए इससे आगे जब परमेश्वर में बुला लेता है, तो तब हमारे जीवन का स्टार्ट शुरू होता है। क्या होता है? हमारे जीवन का स्टार्ट शुरू होता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, वो क्या चाहता है। इसलिए कहा उसकी इच्छा को अनुभव से मालूम करो, पता लगाओ क्या चाहता है। अगर उसने मुझे बुलाया है अंधकार में से, जैसे पतरस कहता है, उसके गुणों को क्या करो, प्रकट करो। तो अपने अपने जीवन से किसको प्रकट करना है, जैसे मसीह ने भी किसको प्रकट किया अपने जीवन से। आज आपकी बारी है, तैयार हो उसे प्रकट करने के लिए, हाँ, चमकने के लिए इस दुनिया में। यीशु मसीह का तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। बोलो क्या है? जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। अपने आप प्रकट हो जाओगे इस दुनिया में। हाँ, आपका परमेश्वर कौन है, आप किस पर विश्वास करते हो, हाँ, बोलो क्या है? अपने आप प्रकट हो जाएगा कि आपका परमेश्वर कौन है, आप किस पर विश्वास करते हो। एलिजा ने कहा आज पता चल जाएगा, हाँ, बाल परमेश्वर है या कौन है। चलो, उसने चैलेंज किया, चलो देखते हैं स्वर्ग से इस वेदी को, कौन सी आग, बाल की के परमेश्वर की वेदी, इस वेदी पर वो आग आएगी और इसको क्या करेगी। चलो, वो भी लगे और चैलेंज किया, क्योंकि एलिजा जानता था कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो कौन है। आपको भी पता होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कौन है। हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो फिर कुछ नहीं आप कर सकते। अगर आपको पता मेरा परमेश्वर कौन है, वो कितना ताकत का परमेश्वर है और वो सब कुछ करने की क्या रखता है, फिर होगा। बोलो क्या होगा? फिर होगा आपके जीवन से सब कुछ। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। ओके।